Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये रियासत का फर्ज है कि वो ये पॉलिसी बताए कि किसका कहां जिहाद वाजिब है और फर्ज है। ये किसी हर मोहल्ले में मस्जिद से फतवा जारी नहीं हो सकता। अगर ये जिहाद के फतवे हर मोहल्ले में और गांव में जारी होंगे तो हम तो एक मैदान जंग बन जाएंगे। मजहबी जज्बात पर सियासत करना घिनौना जुर्म है। जिहाद का ऐलान करना रियासत का हक है। सोशल मीडिया पर फतवे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान, कहा दुश्मन मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, ये वक्त इंतशार का रास्ता छोड़कर इत्तेहाद कायम करने का है। हमने हाथ नाहल हुकूमत आइन और कानून में अक्सरियत की बुनियाद पर मजीद तरमीम अदलिया और अदारों के बारे में लाना चाहती है जो इनकी पाइपलाइन में। नाअहल हुकूमत अदलिया और इदारों के बारे में आइन और कानून में तरामीम चाहती है। गैर मुल्की आकाओं के ईमा पर मजीद तरामीम पाइपलाइन में है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का इंकशाफ, कहा कौम से अपील है कि जागते रहें, ये महीना निहायत अहम है। और यकीन दहानियां सब बेकार। कराची में खवातीन पर हमला करने वाला अब तक आजाद। सिंध हुकूमत और पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस से भी मदद हासिल न कर सकी। गुलिस्ताने जौहर, गुलशने इकबाल और गुलशने जमाल में 13 खवातीन निशाना बन गई, लेकिन हमला आवर की शनाख्त हुई ना कोई सुराग मिला। जागो सिंध पुलिस, जागो सिंध हुकूमत, अवाम की दुहाइयां। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा होता है घर से अकेले निकलते वक्त। 10 दफा हम सोच रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, कैसे हम यूनिवर्सिटी पहुंचे और सेफली पहुंच पाएंगे नहीं। मैं जौहर में ही रहती हूँ और उसी साइड पे ही रहती हूँ, तो हाँ वहाँ पे काफी डर है लोगों का। वहाँ के लिए कुछ सिक्योरिटी दे हमें, क्यों हम लड़की हैं, हम सुबह से आए हुए, शाम में वापसी हमारी होती है। पुलिस हमलावर को तो ना पकड़ सकी मगर खवातीन को तलकीन करने लगी। आईजी सिंध अल्लाहदीनो ख्वाजा ने कहा कि खवातीन रात के वक्त अकेले निकलने से गुरेज करें, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, अल्लाह हमें कामयाबी देगा, हमलावर को जल्द पकड़ लेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद सरकारी टीवी हमला केस में इमरान खान और ताहिर कादरी आज भी पेश नहीं हुए। अदालत ने आईजी पुलिस और कमिश्नर से जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। जो दो तरीके कार अपनाए गए हैं, एक शख्स के लिए एक और दूसरे शख्स के लिए दूसरा, ये आपके सामने है, ये खुली किताब है। और मैं भी आज कहता हूं कि इससे आगे बेहतर ये है कि मैं भी खामोश रहूं। एक शख्स के लिए एक और दूसरे के लिए दूसरा कानून, फिर कहते हैं इदारे मजबूत होना चाहिए। दानियाल अजीज की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों के साथ सियासत की जाएगी तो कौम से मजाक होगा। नवाज शरीफ ने लिख कर दिया कि हर पेशी पर हाजिर होगा, पेश ना हुए तो नाम ईसीएल में डाला जा सकता है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट पर असर अंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम से चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर बात हुई, पीटीआई और एमकेएम के नामों से भी आगाह किया, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर कोई डेडलॉक नहीं, एक दो मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए ओपोजिशन जमातों में राबते तेज। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने जमायमा को कर्ज अदा करने की दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जमायमा को 5,62,000 पाउंड की अदायगी की दस्तावेजात भी शामिल। नियाजी सर्विसेज से जमायमा को कर्ज की अदायगी जाहिर है। अदायगी के बाद नियाजी सर्विसेज के अकाउंट में 1,00,000 पाउंड की रकम बाकी रह गई। बलोचिस्तान के शहर गंधावा में मारूफ बुजुर्ग सैयद रखेल शाह के मजार पर खुदकुश धमाके के दूसरे रोज फिजा सोगवार।
जाम हक होने वालों की तकफीन की तैयारियां, इलाके में सोग की फिजा, हमले में 20 अफराद शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। Pursue the military solution, you will force Taliban and Daesh to get together. And that will be the biggest curse for us to face, for the region to face. We don't want to see that situation happening in our region. अमरीका ने अगर अफगानिस्तान में सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान ने अकेले दहशतगर्दों का खात्मा किया, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की वॉशिंगटन में गुफ्तगु। कहा अफगान तालिबान के साथ मुजाकरात की एक और कोशिश 16 अक्टूबर को मस्कत में 4 फरीकी मुजाकरात की सूरत में